कब ज्वाइन कर रहे हैं सर समाजवादी पार्टी? 14 जनवरी को। कितने लोग मंत्री विधायक नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। राजनीति में लिया गया कोई फैसला और कमान से निकला हुआ कोई तीर वापस नहीं होता है, और मनाने वाले लोग समय पर सजग सावधान रहते, समस्याओं को दूर करते और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की रक्षा करने में सफल होते, तो शायद आज इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता। मैं कहना चाहता हूं, 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने कई गुना ज़्यादा दलितों के लिए और गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए काम किया है। आप कोई भी योजना उठा लीजिए, आवास की ले लीजिए प्रधानमंत्री आवास, आप टॉयलेट्स ले लीजिए, आप स्वास्थ्य बीमा ले लीजिए, आप कोई भी योजना पकड़ लीजिए, किसी सरकार ने नहीं किया, मैं ये जो सरकार है मोदी योगी की वो कर रही है।